हेलो फ्रेंड्स, स्वाद कढ़ाई का में आपका स्वागत है। तो मुंह में पानी आ गया होगा। हम बना रहे हैं बिल्कुल चने की सब्जी। बहुत इजी तरीके से बना रहे हैं, कोई भी डिफिकल्टी या मुश्किल नहीं होती है इसमें, और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो, और हेल्दी भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हेल्दी एक रेसिपी है ये, तो आप इसको ज़रूर बनाएं। और हम वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप हम अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दिए हुए बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो हमने सबसे पहले देखिए पूरी रात ये चने भिगो दिए थे, और चने भिगोने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है। नमक डालने के बाद हमने इसको 6 सीटी देकर गला दिया है, तो इतना गला देना है हमने। इसको रखेंगे साइड में। और ये देखिए, ये हमने एक बड़ा प्याज लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 8-10 कलियां लहसुन की ली है, 4 हरी मिर्च ली है। इन सब चीज़ों को हम दरदरा मिक्सी में पीस लेंगे, और 2 टमाटर है वो भी हम अलग से पीस लेंगे। तो अब तेल कढ़ाई में गरम करते हैं, और तेल कढ़ाई में गरम करने के बाद हमने इसमें डाली है 3-4 लौंग, और उसके बाद डाला है 1 तेज पत्ता, और साथ ही डाली है एक बड़ी इलायची जिसको हमने छील लिया था, तो बीज अलग हो गए हैं, और जो वो है वो भी अलग हो गया छिलका उसका। और देखिए भूल गया, तो वो जो सारी चीज़ें हमने पीस ली थी ना दरदरी, बस अब उस दरदरी को पीसी हुई को हम भून लेंगे। तो इसमें है प्याज है एक, तो वो आपने मसाला देख लिया होगा, प्याज है, लहसुन है, अदरक है और हरी मिर्च है। तो इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल मिक्स करके भूनेंगे। भूनने में बस बिल्कुल हल्का सा इसमें कलर आएगा, तो तुरंत हम इसमें पिसा हुआ टमाटर डाल देंगे। इसको डार्क नहीं भूनना है, उससे फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो ये वाला इतना भूनने के बाद आप देखिएगा बहुत चेंज हो जाता है। 1 चम्मच हमने इसमें मिर्च डाली है, आधा चम्मच हल्दी डाली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और आधा चम्मच हमने इसमें गरम मसाला डाला है। साथ ही हमने इसमें लिया है 1 चम्मच नमक। नमक हमने थोड़ा कम डाला है, क्योंकि नमक हम छोलों में भी डाल चुके हैं। अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लगा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको भून लेंगे। मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है, और साथ ही इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच अनारदाने का चूर्ण। जी हाँ, बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है, एकदम जैसे सब्जी का ना टेस्ट चेंज कर देता है ये। अब इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखिए तेल छोड़ना शुरू कर दिया, तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, और इसको हम अच्छी तरीके से और थोड़ा सा तेज आंच पर भून लेंगे। जब ये हमारा भुना हुआ बिल्कुल नजर आएगा, तो हम इसमें छोले ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल भुना हुआ मसाला नजर आ रहा है आपको। भुनने का मतलब होता है कि बस तेल और मसाला थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। अब हम सारे छोले जो हैं वो इसके अंदर डाल देंगे, और काले चने हैं तो काले चने थोड़ा ऐसा होता है कि वो खड़े ही अच्छे लगते हैं, इनको घोटना जरूरी नहीं होता। थोड़ा सा हमने और पानी ऐड कर दिया है। पानी ये है कि आप किस चीज़ के साथ खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी ऐड कर दीजिए, और इसको ढककर 10 मिनट तक पकने दीजिए। 10 मिनट बाद आप देख रहे हैं कि सब्जी एकदम कलर पे आ गई है और एकदम परफेक्ट बन गई है। बस इसमें गैस बंद कर दीजिए और हरा धनिया ऐड कर दीजिए, जिससे कि ये सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कैसी लग रही है सब्जी। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ खाइए, दाल चा वो चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए, दोनों के साथ ये बहुत बढ़िया लगती है। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारी रेसिपी कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।